Video we will discuss about kinds of food. We eat different kinds of food. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को खाते हैं. आप यहाँ इमेज भी देख रहे होंगे, बहुत सारे फूड आइटम्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं. Different kinds of food help us in different ways. ये जो अलग अलग प्रकार के भोज्य सामग्री होते हैं वो हमारी मदद करते हैं अलग अलग प्रकार से. We should eat different kinds of food in the right quantities to stay healthy. हमें ये जो अलग अलग प्रकार के भोजन हैं उसका सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए. किसके लिए? ताकि हम स्वस्थ रह सकें. Some food items help us grow. इनमें से कुछ ऐसे भोज्य सामग्री होते हैं जो हमें वृद्धि करने में हमारी मदद करते हैं. They are called bodybuilding foods. और इन फूड आइटम्स को क्या कहते हैं? बॉडीबिल्डिंग यानी निर्माण. ये सब निर्माण का कार्य. हमारे शरीर के अंदर जो भी नए निर्माण होते हैं या शरीर हमारा जो ग्रो करता है, वेट हमारा बढ़ता है, हमारे बोन्स में जो ग्रोथ होती है, मसल्स में ग्रोथ होती है, वो सब इसमें हेल्प करते हैं. लाइक ग्राम, पल्सेस, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम. ये जो आप देख रहे हैं यानी चना, दाल, दूध, अंडे इत्यादि, ये उन्हीं में से हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के काम आता है. आइए इस फिगर में देखें हम लोग कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से हैं. मिल्क, फिश, एग, चिकन, पल्सेस, चिकन, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. नेक्स्ट, सम फूड्स आइटम लाइक बटर, घी, ब्रेड, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा गिव अस एनर्जी. अभी यहाँ देखिए, ये फूड आइटम्स जो है वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं. वी यूज दिस एनर्जी फॉर वर्क एंड टू डू अदर एक्टिविटीज़. ये सारे जो एनर्जी हमें मिलता है फूड आइटम्स से, इससे हम लोग काम करते हैं और हमें ताकत मिलती है और अदर वर्क को करने के लिए. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इन फूड आइटम्स को क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड आइटम्स कहते हैं. अब इसे हम लोग इमेज के हेल्प से समझते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं. बटर, पोटैटो, घी, दाल, ब्रेड, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट, सम फूड आइटम्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज प्रिवेंट अस फ्रॉम फेलिंग इल एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेज. कुछ भोज्य सामग्री जो है वो प्रतिरक्षक भोज्य सामग्री कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं बीमार होने से और बहुत प्रकार के बीमारियों से भी हमारी वो बचाव करते हैं. लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये प्रतिरक्षक भोज्य सामग्री जो है वो हमारी बॉडी को क्या मजबूती प्रदान करते हैं और स्वस्थ बनाए रखते हैं. सम फूड आइटम्स
that taste good but are not healthy. कुछ ऐसे भी भोज्य सामग्री है जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होते. These are called junk foods. ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं. आप लोग भी जानते हैं और आपके पेरेंट्स आपको हमेशा जंक फूड खाने से रोकते भी हैं. दे डोंट गिव अस एनर्जी और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. प्यारे बच्चों, ये डिजीजेज वर्ड जो आप सुन रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग बीमारियां होती हैं. तो आप समझ लीजिए, जो जंक फूड होता है, ना ही वो हमें शक्ति, ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है और ना ही वो हमारे रोगों से रक्षा करता है. दे जस्ट मेक अस फैट. और केवल वो हमें मोटा बना देता है, हमारे अंदर चर्बी बढ़ जाती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. आइए पानी के महत्व को समझें. अलोंग विद फूड आवर बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर. प्यारे बच्चों, भोजन के साथ साथ हमारे शरीर को बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है. क्यों? आप जब भोजन करते हैं तो आपको प्यास लगता है ना. इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट. प्यारे बच्चों, हम पानी का प्रयोग करते हैं, ये हमारे भोजन को पचाने में और शरीर के अंदर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. इट फ्लशेस आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाटर जो है वो क्या करता है, जो हमारे शरीर में अपच सामग्री बच जाता है भोजन का, उसे बाहर निकाल देता है. वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. प्यारे बच्चों, हमें कम से कम 8 glass पानी प्रतिदिन पीना चाहिए. कैसा पानी? प्योर एंड फ्रेश. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. प्यारे बच्चों, अब आइए संतुलित आहार के बारे में बात करें. अ बैलेंस्ड डाइट इज वन व्हिच हैज द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द फूड्स ग्रुप एंड वाटर. संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? हर प्रकार के जितना भी हमने भोज्य सामग्री देखा, उन सब का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए और संतुलित मात्रा में होना चाहिए. किसके साथ? पानी के साथ. इट डिपेंड्स अपॉन योर एज एंड योर बॉडी नीड्स. प्यारे बच्चों, सभी लोगों के लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है. वो किस पर डिपेंड करता है? आपके आयु और आपकी शरीर की क्या आवश्यकता है उस पर ये निर्भर करता है. वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमें संतुलित आहार ही खाना लेना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो. आप बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट के बारे में अपने सब्जेक्ट टीचर, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर डिस्कस कीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप एडॉप्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.